तो गाइस एक टाइम था जब ये रूमर्स आ था कि डॉक्टर स्ट्रेंज नेक्स्ट स्पाइडरमैन 3 में स्पाइडरमैन के मेंटोर की तरह दिखेंगे। और आज हम स्पाइडरमैन नो वे होम का टीजर ट्रेलर देख चुके हैं जहां हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मेंटोर की तरह नहीं बल्कि मूवी के मेन हीरो की तरह दिखा। तो बातों को ना घुमाते हुए हम मुद्दे की बात पे आते हैं, और मुद्दा ये है कि टीजर ट्रेलर में दिखा डॉक्टर स्ट्रेंज इवल डॉक्टर स्ट्रेंज है, या यूं कहूं कि ये हमारा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है। तो सबसे पहले जब पीटर सेंटम सेंटोरम में जाता है तो अंदर चारों तरफ बर्फ फैली होती है, और यहाँ ये बंदा बर्फ को साफ भी कर रहा होता है। साथ ही सेंटम सेंटोरम के बाहर का माहौल अलग है क्योंकि यहाँ पे कोई बर्फ नहीं पड़ रही। तो फिर अंदर ये हाल कैसे हुआ? और डॉक्टर स्ट्रेंज जो सोर्सर ऑफ सुप्रीम है वो अपनी पावर से बर्फ को साफ नहीं कर रहे, जबकि लोकी अपनी पावर से अपने कपड़े तक सुखा लेता है। अब मेरा शिकायत करने का मकसद ये है कि जैसे ये डॉक्टर स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, हमारा वाला ऐसा कभी नहीं करता। याद कीजिए, जब पहली बार स्टीवन स्ट्रेंज वोंग से लाइब्रेरी में मिलता है तो वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग से मजाक करता है और वोंग सीरियस रहता है क्योंकि वोंग तब तक काफी चमत्कार देख चुका होता है। और जब आगे डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू अल्टरनेट डायमेंशन और टाइम स्टोन से एक्सपेरिमेंट करता है तो आगे डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी स्टार्क के साथ भी सीरियस बिहेव करता है। बहुत फिल्मी निकले यार। और तुम क्या योगा कर रहे हो? सीधे खड़े। यानी यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज का इतना चिल और कूल दिखना काफी अजीब है, खासकर जब वो थैनोस को हरा कर आया हो। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की मदद के लिए वोंग के खिलाफ जाकर इतना बड़ा रिस्क लेता है, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज देख चुका है कि कैसे थैनोस जैसे लोग सिर्फ इसी इंतजार में बैठे हैं कि आप कब कमजोर पड़े और वो कब इसका फायदा उठाएं। सो अगर हमारा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज यहां होता तो वो पीटर की मैजिक से मदद नहीं करता बल्कि किसी और सेफ तरीके से मदद करता। यानी ये डॉक्टर स्ट्रेंज कोई और है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ये कौन है और हमारा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज कहाँ है? तो यहाँ पर मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ। तो जब थैनोस ने स्नैप की और डॉक्टर स्ट्रेंज गायब हो गया था तो इन 5 सालों में मोरडोक ने मल्टीवर्स को एक्सप्लोर किया। अब मोरडोक डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के एंड में ईवल बन गया था, और जब वो थैनोस की स्नैप से बच गया तो अब इन 5 सालों में ना डॉक्टर स्ट्रेंज था और ना ही एंशिएंट वन है। तो उसने कमरताज की सारी बुक्स को पढ़ा और अल्टरनेट टाइमलाइन रियलिटी और मल्टीवर्स के बारे में जाना। फिर मोरडोक ने ही मल्टीवर्स को ओपन किया और दूसरे यूनिवर्स से डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर आया जो ईवल है और मास्टर ऑफ सोर्सरर है। और इसी डॉक्टर स्ट्रेंज से पीटर मिलेगा, जहां पीटर के बहाने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स को दोबारा ओपन करेगा और अपने फायदे के लिए अलग अलग यूनिवर्स में छेड़छाड़ करेगा, और यही होगी मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स। अब अगर बात करें कि हमारा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज कहां है, तो शायद मोरडोक और इवल डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे काबू कर लिया हो, या हो सकता है कि उसकी पावर्स भी छीन ली हो, क्योंकि मोरडोक को हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के पोस्ट क्रेडिट में ऐसा करते हुए देखा था। और मोरडोक इवल सोर्सरर ऑफ सुप्रीम के साथ मिलकर डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर ले सकता है। और अगर ऐसा है तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिलने जाएगा ताकि उसकी मदद से वो अपनी पावर्स को वापस पा सके। साथ ही अगर बात करें पीटर की, तो नो वे होम में हमें सिर्फ इवल डॉक्टर स्ट्रेंज ही दिखेगा और पीटर उसी से मदद लेगा, और डेफिनेटली इवल डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को वक्त आने पर धोखा दे देगा, क्योंकि कॉमिक्स में जब पीटर की आइडेंटिटी रिवील होती है तो एमजे तक उसे छोड़कर चली जाती है, जबकि मूवी में उल्टा हो रहा है। एमजे पीटर के साथ है, इवन उसका हर फ्रेंड उसके साथ है। तो इन सबके बीच में कोई तो होगा जो पीटर को धोखा देगा और वो डॉक्टर स्ट्रेंज होगा, और इसलिए ट्रेलर में हम कई जगह डॉक्टर स्ट्रेंज को पीटर के पीछे और उससे फाइट करता हुआ देख सकते हैं। साथ ही इस अमेजिंग सीन में अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज का फेस देखें तो ये बिल्कुल ईवल वाइब दे रहा है। साथ ही ट्रेन वाले सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज के पास क्लोक ऑफ लेविटेशन भी नहीं है, और यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज की ड्रेस सेंस भी काफी डार्क है। ऊपर से यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के पास में आई ऑफ एगोमोटो है, जबकि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में थैनोस ने टाइम स्टोन और आई ऑफ एगोमोटो दोनों को तोड़ दिया था, इसलिए हमारे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के पास में कोई नेकलेस नहीं है। साथ ही जो आई ऑफ एगोमोटो टाइम स्टोन को होल्ड कर सकता है उसे बनाना भी आसान नहीं होगा, इसलिए ये आई ऑफ एगोमोटो और इसे पहना हुआ डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों अलग यूनिवर्स से है। वैसे ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है ये सिर्फ एक थ्योरी है, जिसके सच होने के उतने ही चांस है जितने इसके गलत साबित होने के है। लेकिन अगर नो वे होम मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस मूवी के लिए प्लॉट तैयार करेगी तो डेफिनेटली ये मूवी उसे विलन भी देगी, और डॉक्टर स्ट्रेंज को उसी का इवल वेरिएंट दिया जाए तो ये काफी जबरदस्त होगा। हालांकि व्हाट इफ के एक एपिसोड में हम डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज देखेंगे, और अगर उस एपिसोड का डॉक्टर स्ट्रेंज से या स्पाइडरमैन से कनेक्शन हुआ तो ये काफी एपिक हो जाएगा। हालांकि इंटरनेट पे ये भी थ्योरी चल रही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज स्टीरियो है जो इल्यूजन से पीटर को धोखा दे रहा है, लेकिन मुझे इसके काफी कम चांस लग रहे हैं क्योंकि फिलहाल पीटर के पास में एडिथ है जो काफी एडवांस है।
साथ ही ये थ्योरी पार फ्रॉम होम की एंडिंग को मीनिंगलेस बना देती है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि थ्योरी वो सच होता है जो सिर्फ अंधेरे में है। सो गाइस, ये वीडियो थी एक थ्योरी पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज को ईवल और उसके वेरिएंट एमसीयू में आ चुके हैं इसको प्रूफ करती है। अगर आपके पास में भी कोई थ्योरी है डॉक्टर स्ट्रेंज या स्पाइडरमैन से रिलेटेड है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताना। साथ ही अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग द विकी सीमार।